Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class students. हम ICT applications के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि तीन तरह के types होते हैं. पहला e-government, दूसरा e-business और तीसरा e-learning. हमने देखा e-government जो applications होती है वो इसलिए prepare की जाती है ताकि government और citizens के बीच का जो relationship है वो स्ट्रांग हो सके, और साथ ही साथ जितने भी काम या जितने भी योजनाओं के लिए गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए काम कर रही है उसमें पारदर्शिता आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके, जिससे सिटीजन ये समझ सके, ये जान सके कि गवर्नमेंट उनकी केयर कर रही है या नहीं. ई गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में चार तरह के मॉडल्स हमने पढ़े थे. पहला होता है G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर. दूसरा होता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन. तीसरा होता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. और चौथा होता है G2E, मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. इन चारों ही मॉडल्स के अपने अपने कुछ एम्स है, अपने अपने कुछ उद्देश्य है. इनकी एप्लीकेशंस के टाइप्स अलग अलग है और इन चारों ही मॉडल्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषताएं हैं. तो आज हमारा जो पहला मॉडल है इसमें गवर्नमेंट टू कस्टमर G2C हम वो पढ़ेंगे. तो ये जो मॉडल है इसका बेसिक उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य, इसका गोल ये है कि ICT सर्विसेज सिटीजन को डायरेक्ट प्रोवाइड की जा सके. पहले ये होता था कि किसी भी तरह के गवर्नमेंट काम के लिए, सरकारी कामों के लिए आपको एजेंट्स की जरूरत पड़ती थी, उन एजेंट्स के थ्रू आप अपना काम करवाते थे. पर जब से IT एप्लीकेशंस हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनी है, तब से ई गवर्नेंस के थ्रू वो सारे काम जो हम एजेंट्स के थ्रू करवाते थे, वो सारे काम हम फोन पर इंटरनेट से एप्लीकेशंस के द्वारा खुद कर सकते हैं. चाहे फॉर्म भरना हो, चाहे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो, चाहे बिल पेमेंट करना हो, चाहे नए बिजली कनेक्शन या नए नल कनेक्शन के लिए अप्लाई करना हो, या जॉब के लिए अप्लाई करना हो, या किसी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन देनी हो, फॉर्म सबमिट करना हो, या कॉलेजेस स्कूल्स में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने हो, तो ऐसे जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हैं जो हम पहले किसी एजेंट के थ्रू करवाते थे, वो सारे काम ई गवर्नमेंट में G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर मॉडल के तहत हम अपने फोन पर खुद से कर सकते. इससे फायदा यह है कि ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है, हमारा समय बचता है, हमारे पैसे बचते हैं, और इससे सरकार और नागरिकों के बीच के संबंध मजबूत होते हैं. ये टू वे कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है. टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप डायरेक्ट प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स को बता सकते हैं बिना किसी एजेंट के मदद के. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, इंदौर का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम जो है इंदौर का, नल कनेक्शन को लेकर, सफाई को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रीट लाइट बंद है या ड्रेनेज लाइन्स खुली है, मेन होल्स खुले हैं, सफाई नहीं हो पा रही है, इस तरह की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए पहले हमें गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाना पड़ता था, घंटों खड़े रहना पड़ता था, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, फॉर्म भरना पड़ता था. पर अब ई गवर्नमेंट G2C मॉडल के तहत एक ऐप है, 311 ऐप, जो इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए है. अब उसमें आप किसी भी तरह की शिकायत खुद से डाल सकते हैं बिना किसी तरह के पैसे खर्च किए या बिना किसी तरह के ऑफिस में जाए, और एट दैट टाइम आपकी शिकायत पर कार्रवाई भी की जाती है. तो इससे आपने अपनी शिकायत डायरेक्ट प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर को बता दी, बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, किसी फॉर्म, किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ी. तो इस तरह की एप्लीकेशंस जो डायरेक्ट कस्टमर से इंटरैक्ट करती है, जो डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्टेड होती है, वो बेनिफिशियल भी होती है, फायदेमंद भी होती है, और एफिशिएंट भी होती है, सुविधाजनक भी होती है. तो ये G2C मॉडल था. इसके एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको और ज्यादा अच्छी तरह से
लिखना चाहे अपनी लैंग्वेज में तो आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। G2C मॉडल से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।